नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एनएमसी कार्यालय में कलाकारों का मोर्चा, लॉकडाउन का निर्णय पीछे लेने का निवेदन, मकान खरीदी के नाम पर धोखाधड़ी। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार में। एनएमसी कार्यालय में कलाकारों का मोर्चा, लॉकडाउन का निर्णय पीछे लेने का निवेदन। नागपुर प्रशासन द्वारा कोविड के दुष्परिणाम को देखते हुए लॉकडाउन लगाया गया था, इसी के चलते कलाकारों को आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते आज इन कलाकारों ने दयाशंकर तिवारी जी के ऑफिस पहुंचकर लॉकडाउन का निर्णय पीछे लेने का निवेदन किया है। आज सर, आपका ये मोर्चा किस सिलसिले में आया अभी? सबसे पहले मैं मेरा परिचय देना चाहता हूँ। मैं सुनील गाड़गे, अभिमानी कलाकार संगठन नागपुर शहर अध्यक्ष, और हमारे नागपुर के सभी कलाकार, डीजे, साउंड, मंडप डेकोरेशन और ऑर्केस्ट्रा कलाकार, आज हम सब मिलकर महापौर ऑफिस में इसलिए आए हैं कि पालक मंत्री नितिन जी राउत, इन्होंने जो लॉकडाउन लगाया है, इस लॉकडाउन के वजह से हम जितने भी नागपुर शहर के कलाकार हैं, वो तो कलाकार लोग एक बेरोजगार हुए हैं। हमारी मांग बस यही है, जिस प्रकार से मुंबई शुरू है, जिस प्रकार से पुणे शुरू है, वहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहे हैं, तो हम नागपुर शहर के कलाकारों ने क्या गुनाह किया, क्या पाप किया कि आज हमको हमारे घर में बिठाया जा रहा है। आज हमारी परिस्थिति यह आ चुकी है कि नागपुर शहर के कुछ कलाकारों ने आत्महत्या करने की कोशिश करी। कोविड के दुष्परिणाम को देखते हुए प्रशासन द्वारा लॉकडाउन लगाया गया, इसी के चलते अनेक नागरिकों और व्यापारियों को आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। आज कलाकारों ने एनएमसी ऑफिस पहुंचकर लॉकडाउन का निर्णय पीछे लेने को अपील की है। इन कलाकारों ने हम होंगे कामयाब का गीत गाकर लॉकडाउन न लगाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनकी बात सुनी नहीं गई तो उनके पास आत्महत्या करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, और प्रशासन ऐसा कोई निर्णय ले जिसकी वजह से हमारे व्यवसाय में बाधा निर्माण न हो और जिसकी वजह से हमारे परिवार को रास्ते पर आना ना पड़े। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, जहां महाराष्ट्र में पुणे, मुंबई में अनुमति दी जा रही है, तो वही नागपुर भी महाराष्ट्र में आता है, यहां भी अनुमति मिलनी चाहिए। इसी के कारण कलाकार लोग दयाशंकर तिवारी जी के ऑफिस पहुंचे और लॉकडाउन का निर्णय पीछे लेने का निवेदन किया। साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर उन्हें आने वाले एक से दो दिन में निवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया तो संविधान चौक पर धरना देने की बात भी कलाकारों ने की है। तो वही दूसरी ओर मकान खरीदी के नाम पर धोखाधड़ी। नागपुर इमामवाड़ा पुलिस थाना अंतर्गत मकान खरीदी के नाम पर 9,40,000 रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक प्लॉट नंबर 97 उंटखाना निवासी शिकायतकर्ता सुरेश किल्तुलाल निषाद ने आरोपी विनायक मारुति मरस कोहल्ले से एक मकान का सौदा 18 लाख रुपयों में किया था। शिकायतकर्ता निषाद ने आरोपी को 9,40,000 रुपए दिए थे, लेकिन पैसे लेकर भी आरोपी विनायक ने मकान की रजिस्ट्री नहीं की। निषाद ने इसकी शिकायत इमामवाड़ा पुलिस थाने में की। इस आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भांडवी की धारा 420 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।